दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इस बिजनेस का सेटअप कर लेते हो तो दोस्तों आपको ज़िंदगी भर क्या पीढ़ी दर पीढ़ी और कोई जॉब या और कोई बिजनेस कभी नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों दोस्तों सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेशन चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को पाए लेटेस्ट अपडेट फ्री में। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आपका अपने चैनल मोर इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल का बटन भी प्रेस करना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हम अपने चैनल पर हमेशा बढ़िया इंटरेस्टिंग और हर तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूजफुल रहेगी। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने चैनल पर एक बिजनेस आइडिया सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम आपके लिए हर तरह के और अलग अलग तरह के बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूजफुल रहेंगे। उसी सीरीज में दोस्तों हम आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। ये बिजनेस आइडिया ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसको करते हो, इसका सेटअप करते हो तो आपको लाइफ टाइम के आपको पीढ़ी दर पीढ़ी दोबारा कोई नौकरी जॉब या कोई और बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये ज़िंदगी भर चलने वाला बिजनेस है, जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस चलता रहेगा। दोस्तों, ये बिजनेस है चावल का, राइस मिल का। दोस्तों, आपको पता ही है हमारे देश में चावल की कितनी खपत होती है, बहुत ज़्यादा लोग और हर एरिया में चावल खाया जाता है। और दोस्तों, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चावल खाया जाता है। आप इसका जितना उत्पादन करोगे उतना कम है दोस्तों। होता क्या है, चावल जब चावल की फसल तैयार होती है उस टाइम चावल तैयार नहीं होता, उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसको राइस मिल में लाकर उसको साफ़ सफाई करके उसका छिलका उतारा जाता है और उसको दोबारा पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। बस इसी के अंदर ही सारा खेल है, इसी के अंदर ही सारा प्रॉफिट है, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये काम पहले परंपरागत तरीके से होता था, छोटी चक्कियाँ थी, उनसे क्या था, उनसे चावल पूरा साफ़ नहीं होता था क्योंकि चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस डिमांड के हिसाब से चावल साफ़ नहीं हो पाता था। तो दोस्तों, उसी डिमांड को देखते हुए उसके बाद राइस मिल का निर्माण हुआ। दोस्तों, राइस मिल के अंदर आप एक दिन में हजारों टन चावल साफ़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की मशीनें लगा रखी हैं। अगर आपने छोटी मशीनें लगा रखी हैं तो आप कम करोगे, अगर थोड़ी बड़ी मशीनें हैं तो दोस्तों आप जितना चाहे उतना उत्पादन कर सकते हो, वो आपकी मशीनरी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे चावल की मेन मेन किस्में होती हैं बासमती, जिरगा, इंद्रायणी, आंबे मेहर, जया, रत्नागिरी, कोल्लम, घनसाल, ये वो मेन किस्में हैं चावल की जो इंडिया के अंदर खाई जाती हैं, लोग इनका यूज करते हैं दोस्तों खाने के अंदर। आपको क्या करना है, आपको राइस मिल का सेटअप लगाने के बाद आपको किसानों से डायरेक्ट आप खरीद सकते हो बाज़ार भाव में चावल, या फिर आप मंडी से खरीद सकते हो बाज़ार भाव में चावल। वहाँ से चावल लेकर आपको अपनी राइस मिल में लाकर उसको साफ करके उसका छिलका उतार के उसकी पैकिंग करनी है मार्केट के हिसाब से, 5 किलो की, 10 किलो की, 15 किलो की, जो भी आपके मार्केट की डिमांड हो। और वो पैकिंग करने के बाद दोस्तों आपको उस चावल को वापस मार्केट में बेच देना है बिकने के लिए। दोस्तों, आप जिस भी बाज़ार भाव से वो चावल लेते हो उससे दुगने तिगने रेट में चावल दोबारा मार्केट में बेचा जाता है सिर्फ उसका छिलका उतार कर। दोस्तों, ज़्यादातर राइस मिल के व्यापारी यही काम करते हैं, और कुछ व्यापारी तो ऐसे हैं जो सिर्फ दो या तीन चावल की किस्में, दो या तीन लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, और उन्हीं को ही अपना ब्रांड नाम देकर अपना मार्का लगाकर वो दोबारा मार्केट में बेच देते हैं बहुत महंगे रेट पर। तो दोस्तों, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उनको बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते इतना प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आप जितना भी माल तैयार करके अपना खुद का ब्रांड नाम लेके मार्का तैयार करवा के उसकी पैकिंग करते हो चावल की, और आप जितना भी माल मार्केट में दे दोगे उतना ही कम है दोस्तों, आप माल नहीं पूरा कर सकते मार्केट में क्योंकि चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है,
ये हमने आपको पहले ही बता दिया, जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस चलता रहेगा, इसमें घाटे का कोई भी काम नहीं है, सारा प्रॉफिटेबल ही काम है। अगर इसकी वैसे मार्केट की बात करें तो दोस्तों आप इसको ग्रामीण एरिया में, गांवों में, शहरों में, किराना माल की दुकानों में, बड़े मॉल, सुपरमार्केट, अनाज के रिटेल, होलसेल व्यापारी और इंडिया के या दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अपना माल बेच सकते हो दोस्तों, आप बिना डरे। इसके अलावा होटल, ढाबे, भोजनालय और भी कोई मांगल कार्यक्रम चल रहा है कहीं को और बढ़िया लेवल पे कार्य चल रहा है तो आप वहाँ बेच सकते हो, अपने बड़े लेवल पे अपना माल बेच सकते हो दोस्तों। आपको इसके लिए कभी भी कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद से आपके पास आएंगे। अगर आप चाहो तो इसका दोस्तों विदेशों में भी आप इसका बिजनेस फैला सकते हो, आप अपना माल विदेशों में भी भेज सकते हो, आप जितना चाहे उतने बड़े लेवल पे अपना काम फैला सकते हो, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है दोस्तों। अब बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल में हमने आपको पहले ही बताया, बस आपको चावल की अच्छी और बढ़िया किस्में लेनी है जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे बासमती, कोल्लम, रत्नागिरी 24, आंबे मोहर, इंद्राणी, जया, जिरगा, घनसाल, ऐसी मेन मेन किस्में लेनी है जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं खाने के अंदर। और उसके बाद मशीनरी की बात आती है दोस्तों, मेन पॉइंट है मशीनरी का, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है दोस्तों, आप जिस भी शहर में, जिस भी एरिया में रहते हो, उस एरिया में किसी भी तरह की कोई भी मशीन बिकती हो, आप वहाँ पे जाके पता करें, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपको मशीन कहाँ से मिलेगी। उसके बाद फिर आप एक नहीं कम से कम 3-4 अलग अलग डीलरों के पास जाएं जो राइस मिल की मशीनें बेचते हों, उन सब से आप कोटेशन लें, क्योंकि काफ़ी बार हम ठगी का भी शिकार हो जाते हैं अगर किसी एक के पास जाते हैं तो। आप 3-4 डीलरों के पास जाएं, उनसे अलग अलग कोटेशन लेके उनके रेट की और उनके माल की मशीनरी की तुलना करें, जिन उन्होंने जिनको पहले मशीनें बेची हुई हैं, आप उनका फ़ोन नंबर लेके उनसे बातें करें कि उनकी मशीनें कैसी चल रही हैं। उसके बाद फिर आप डिसीजन लें आपको किससे मशीन लेनी है, जहां आपको वाजिब रेट लगे, सही दाम लगे, आप वहां से मशीन लें। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की दोस्तों। दोस्तों अगर ये बिजनेस आइडिया आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर तो सबके साथ करना ताकि ये किसी के काम आ सके। और दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हर तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो हमारी घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के साथ, किसी अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।